प्रसाद मौर्य जिस दुकान पर शूटर मौजूद थे उस दुकान पर भी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बयान दिया कि परिवार से मिलकर सांत्वना दी है, उमेश पाल और शहीद गंडो को श्रद्धांजलि दी, सरकार हर संभव मदद करेगी, सुरक्षा को लेकर हर प्रयास जारी। श्री उमेश पाल जी की दुखद हत्या की प्रयागराज के अंदर घटना के बाद संयोग से मेरा आना नहीं हुआ था, क्योंकि परिवार का हर सदस्य मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। उनको श्रद्धांजलि देना, परिवार के लोगों से बातचीत करना, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी न रहे या सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं, उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे, और प्रयागराज मेरा और प्रदेश अपराध मुक्त और कानून व्यवस्था हर प्रकार से चुस्त और दुरुस्त रहे, इसका हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं, आगे और मजबूती से। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद आज पहली बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य उमेश पाल के परिवार से मिलने आए थे। उमेश पाल जी की माता जी हैं, आज डिप्टी सीएम आए थे, क्या उनसे बात हुई, क्या आपने बात रखी? बेटा उनसे तो आए बस परिवार का हाल चाल पूछे, तब ने अपने बच्चों का बतलाया, अपने दिल के दुख बताई कि हाँ भाई जो मेरे बेटे को मारे थे हत्यारे, तो उन्होंने सुना पूछा तो बताए कि ठीक है जो हो रहा है, और अभी जो है जो भाग्य हमने बताया कि इतने लोग भागे हैं भैया, मेरा परिवार है, कोई लड़ने का भी लड़ नहीं, जो कुछ है मेरे परिवार की सुरक्षा आप लोगों के हाथ में है, और आप देखिए ये है कि जैसे आज आपसे मुलाकात हुई है मेरे तसल्ली मिला है, और बाबा जी से भी मुख्यमंत्री जी से भी अगर मुलाकात हो जाएगी तो रातों में तसल्ली हो जाएगी। उमेश पाल जी की पत्नी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो हत्याकांड में शूटर शामिल थे उसमें से कुछ का इनकाउंटर हो गया, जो दो मुख्य आरोपी थे उनकी हत्या हो गई, अब आगे आप और क्या मांग कर? अभी हत्यारे तो अभी बाकी बाहर ही है, जिस तरह से शाइस्ता परवीन और गुलाम हैं, बाकी अन्य लोग हैं, तो जब तक ये सब नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी इसी प्रकार से, और डर भी इसी प्रकार से बनना रहेगा। जब ये सब पकड़े जाएंगे तो इसके बाद जो शासन इनके साथ कड़ी कार्रवाई करनी होगी तो वो प्रशासन अपने साथ कार्य करेगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कफील रहमान, भारत समाचार, प्रयागराज।